चलिए गाइस, तो आज मच्छी मारने के लिए आ गए हम। क्या ठीक है क्या? हाँ, लाइव चलो। एक तो देखिए, हमें जगह मिल गई। आप, मैं आपको जगह दिखाता हूँ कितनी बढ़िया है। तो पीछे देख सकते कितने खतरनाक। अब यहाँ भी कैंसिल हो गया और अभी और ऊपर जाना है हमें। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सर आप देख रहे हैं नरेश राजपूत ब्लॉग। स्वागत करता हूं आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी सही होंगे, सभी कुशल मंगल से होंगे और हम भी यहां सही हैं, मस्त हैं, फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी चल रही। तो आज की जो ब्लॉग है वो दोपहर के 2:30 बजे से शुरू हुई, क्योंकि हम ब्लीचिंग पाउडर के लिए सिलोगी गए थे। तो ब्लीचिंग पाउडर लाने के बाद अब हम रुद्रागढ़ में जा रहे हैं, थोड़ा मच्छी वगैरह देखते हैं कैसे मारते हैं, क्या होता है। पहली बार जा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए गाइस, तो आज मच्छी मारने के लिए आ गए हम। देख सकते हैं कैसी जगह रखे हैं। अच्छा, तभी नहीं फैलती हैं कुछ है? तभी नहीं फैलती हैं कुछ, तभी नहीं फैलती हैं कुछ। मैं तो पानी का स्रोत मिल गया है। यार ठीक है क्या? यस। तो अभी यहाँ पे भी नहीं मारेंगे। बिच्छू घास देख सकते हैं आप। निकर वाले परेशान हो गए हैं। चलिए भाई, हमको गलत धुल नहीं पाए भाई जी, मैं तो सर आता हूँ लगी नहीं। माछ चक्कर में हाथ को टूटने पर आज भी जा रहा है, बिना दूसरे को मल्ला मिटी। हाँ, लाइव चलो, एक लाइव चलो। ना ना, तभी बुन रहे लाइव चलो। कौन बिच्छू घास देख सकते हैं आप, इससे बहुत दर्द होता है। और इसका सजेशन ये कि लग जाए तो नाक का जो लिक्विड है उससे इसे साफ करना पड़ता है। जिसे गढ़वाली भाषा में सीप कहते हैं।
हिरण देख सकते हैं आप, इन बड़ा ना पकड़ता। जंगली हिरण देख लिया होगा, बहुत ही खतरनाक जगह पे आए हम, देख सकते हैं सारी टीम आ रखी है, तो आज मच्छी मार के ले जाना ही है। अभी चलने का मकसद है कि अभी ऊपर एक पुल है, पुल के बराबर ही में एक छोटा पानी का काफ़ी बड़ा स्रोत है जिसमें हम मच्छी मारेंगे। अभी ऊपर आपने जंगली हिरण देख लिया होंगे तो उसी को देख रहे हैं सारे। मेन शिकारी देख सकते हैं आप, शिकारी क्या कहेंगे, ये बिच्छू घास से भी नहीं डर रहे। ये एडवेंचर वाले हैं, शिकारी नहीं है। ओ यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है। पूरा एडवेंचर हो गया आज तो। चला कुछ नहीं लग यार, मम्मी लेमन गया जब बहुत ही फिसलन हो रही है इन पत्थरों में क्योंकि बारिश हो रही है। चलो चलो धन्य मत पड़िए, चलो 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 पता ये इंटरव्यू बनाने में वीडियो
चल यार चल बड़ी मां अरे हम नहीं जाना तो यार मां सुन लग रहा है ये चल यार अरे कौन चल यार कौन ठीक है तो मैं चल तेरे को पत्थर ना नहीं यार बढ़िया नहीं हो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर ली है पीछे देख सकते कितने खतरनाक अब यहाँ भी कैंसिल हो गया और अभी और ऊपर जाना है और जो हमारी सेना है वो निकल पड़ी है आगे की तरफ को देख सकते हैं आप इसमें पत्थर बहुत फिसलन हो रखे जिससे कि गिरने के चांसेस काफ़ी हो रहे हैं चलिए क्या हो गया तो यहाँ पिंडालू भी हो रखे आप देख सकते हैं अरबी तो वहाँ से रास्ता है नहीं तो इसलिए इधर से रास्ता बन रहा है रास्ते पे चल रहे हैं
हमने कंप्लीट कर दिखाया। अभी नहीं आप बोलो, हमने कर दिखाया। वो देखिए सामने मंजिल मंजो थे। पूजा ये देखिए पुल। देखिए हमारी टीम गलत जगह चली गई थी, उसके बाद सही लोकेशन पे आई है। तो ये आप देख सकते हैं, जय जो बोलते हैं हमारे वास्तव में, जो पेड़ के जो तने काट के उनका छाल छाल बनाते हैं, छाल बनाते हैं, उसके बाद वो छाल निकालने के बाद क्या बचता है उसे आग जलाने के काम आता है। तो फाइनली हम मंजोगी के पुल में पहुंच चुके हैं भंडारी पानी से। वे कहां से जाए, ये पत्थरों में फिसलन बहुत है जिसकी वजह से गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दो बार तो मैं गिर गया तो घर ब्लॉक में नहीं आया मैं। तो हम सही जहाँ पर मछली रहते हैं उसके तलाश में चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मछली नहीं थी, छोटी छोटी मछली होती है। पानी का लेवल भी थोड़ा बढ़िया है क्योंकि बारिश हो रही है कल से कंटिन्यू। अबे अगुंदा गलत है कि गाय सभी देख सकते हैं, हम काफी दूर से पैदल आ रहे हैं बिल्कुल। यहाँ से ये जो गदरा अभी तो इसका लेवल नॉर्मल है, लेकिन बरसात के टाइम पे जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता इस जगह पर। जंगली मुर्गे की आप साउंड सुन सकते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी भी मंजिल नहीं मिल रही है, ठिकाना नहीं मिल रहा है। आगे आगे चल रहा, उसे भी पता नहीं है कि कहाँ पे चलना है, कहाँ कैसे चलना है। ये तो लगता है आज हमें धारी पहुँचा के रहेगा। ये आप देख सकते हैं मंजोगी के लिए जो पुल बना रखा है, यहाँ से पानी पहले जाता था। अभी आप पुल की हालत देख सकते हैं, छोटी नहर बोलेंगे से, पूरा उबड़ खाबड़ है। बिच्छू घास कंडाली बहुत तकलीफ होती है इससे। मैं तो ये सोच रहा हूँ हम तो इससे बच रहे हैं, लेकिन निक्कर वाले भैया कैसे बचेंगे इससे।
सरासर मामी खींचो मैं